विरोध कर रहे थे भूमि अधिग्रहण को लेकर। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इस अध्यादेश को लागू करना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। रघुवीर सहाय ने कभी कहा है कि जान न देनी पड़े, जान देने की तैयारी जरूर रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो लाया गया है, ये भारत के बहुत बड़े किसान वर्ग के लिए जीवन मरण का सवाल है, और जाहिर है राजनीति के लिए भी जीवन मरण का सवाल होना चाहिए। अब जिसका मतलब ये है कि दीर्घ काल में इसका विरोध करने की एक पुख्ता तैयारी होनी चाहिए। जब से ये अध्यादेश आया है, तब से ज्यादातर पार्टियों में अब एक सहमति बन रही है इसका विरोध करने की। ये याद रखना चाहिए कि जब ये कानून आया था, तो ये संसद की प्राय सभी पार्टियों की सहमति से आया था। तो जाहिर है इसको पलटना पूरे संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। सर, प्रदीप काशनी को हटाए जाने का मामला भी दूर पकड़ता जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर के तौर पर उनको लाया जाता है गुड़गांव में और उसके बाद हटा दिया जाता है। कल तक जो संदेह था वो आज सच में बदल गया है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि संदेह ऐसा होता है कि प्रदीप कासनी ने जो भ्रष्टाचार के बारे में लैंड माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दी थी उसके कारण उनका ट्रांसफर हुआ। आज प्रदीप कासनी के स्वयं बयान आ गए जिससे स्पष्ट है कि मामला यही था। और अगर ईमानदार अफसरों के साथ, प्रदीप कासनी हरियाणा के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक हैं, अगर ईमानदार अफसरों के साथ ये होता है तो कौन अफसर हिम्मत करेगा इस लैंड माफिया का मुकाबला करने की? क्या विश्वास बनेगा? नई सरकार में क्या आस्था बनेगी लोगों की? सर, अब गीता पढ़ाई जाएगी 5th क्लास से लेकर 12th तक हरियाणा में मैंडेटरी हो जाएगी। स्कूल के बच्चों को हमारी परंपरा मर्यादा के बारे में समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ये अच्छी बात है। गीता पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाए, कुरान पढ़ाई जाए, सब बहुत अच्छी चीज़ है। केवल एक धर्म की चीज़ पढ़ाना और उसमें केवल एक पुस्तक पढ़ाना, ये हमारी संस्कृति के साथ न्याय नहीं होगा। इस देश की संस्कृति अलग-अलग धर्मों की विविधता की है, और ये जो हिंदू धर्म है इसके अंदर इतनी तमाम विविधताएं हैं, उसके साथ न्याय न करना एक तरह से इस देश की संस्कृति के साथ न्याय न करना होगा। मुझे कई बार लगता है कि इस तरह के फतवा जारी करने वाले लोग न तो भारतीय संस्कृति को समझते हैं, न हिंदू धर्म को समझते हैं, और न ही पैडागोजी यानी कि बच्चों को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए इसे समझते हैं। सर, एक सवाल और है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जहाँ सरकार की अभी तक किसी की बनती नजर नहीं आ रही, जो महागठबंधन की बात पीडीपी की ओर से आती है कि एनसी और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ गए तो सियासी सुसाइड होगा। ये किस तरीके से इस वक्त पूरे हालातों को जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं, सियासी हालात? मैं जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक और राज्य सरकार के रूप में नहीं देखता। जम्मू कश्मीर की विशिष्ट परिस्थिति रही है, और अगर कोई तरीका निकल सके जिससे जम्मू की राजनीति की मुख्य धारा देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, तो कम से कम मैं उसका स्वागत करूंगा। प्रदेश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और एक संभावना का अगर कोई भी दरवाजा, खिड़की, रोशनदान खुलता है जिससे जम्मू कश्मीर के, कश्मीर घाटी के लोगों की आहत भावनाएं, उनका जो दूरी है बाकी देश से, वो जोड़ी जा सके, तो ऐसे में किसी भी प्रयास का स्वागत होना चाहिए। सर, ममता बनर्जी सेड दैट आई विल फाइट फॉर द अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ द लैंड एक्विजिशन। She's put it in more colorful way, what all of us have been saying, what all the people's movements have been saying, what Aam Aadmi Party has been saying, and thankfully what other opposition parties have also saying. Basically, that the Land Acquisition Act of 2013 was a product of cross-party consensus, and to annul it
by an ordinance is against the basic tenets of parliamentary democracy. We oppose it. Aam Aadmi Party opposes it, and we shall join all the people's movements of the country to create a national movement against this land acquisitions amendment. So your MP will raise this question in a parliament also? Absolutely, because the ordinance has to come to the parliament for approval, and as and when it does, our members of parliament will of course oppose it. Sir, Prateep Kashni is transferred from the Gurgaon Division Commission. How do you look the whole episode? What we suspected yesterday has come true today. Yesterday we said it seems that it is not a routine transfer. We said it seems that it has to do with his order against the land mafia. Today Prateep Kashni himself has confirmed it. Prateep Kashni is one of the most outstanding honest officers of Haryana. If people like him are treated this way, which officer will have the courage to take on these land mafias? What kind of reputation people will have of the new government? People had brought in the BJP government in Haryana with lots and lots of hope, and the government is bent upon destroying that hope right in the beginning. Sir, now Gita is mandatory from class 5 to 12. It will be taught in class 5 to 12. Our children must be educated in our cultural heritage. Teaching Gita is not objectionable. So should they be taught Quran, they should be taught Guru Granth Sahib and many other scriptures from the Hindu tradition as well. The problem is when you reduce it all only to one religion and within the religion to one scripture. This is not the tradition of this country. Our country has had multiple religious traditions. We have tolerated and respected them. Within Hinduism, there are multiple streams which have always coexisted. So to my mind, the best way would be to educate people in our students in multiple traditions that we have had. Those who want to impose just one book do not understand either the traditions of this country, they do not understand Hinduism itself, and they do not understand pedagogy, which is to say the science of education itself. Sir, your reaction on the present situation of J&K political scenario, especially PDP leaders said if we will go with the BJP, it will be a political society, and they'll talk about the grand alliance between PDP, NC and the Congress. Jammu and Kashmir has given a split verdict. Kashmir has voted one way, Jammu has voted another way. I do not see J&K situation as a routine government formation in any other state. J&K is special. The state is going through a very delicate moment. And if there's anything that can be done to reconnect or to connect for the first time the valley with the sentiments of the rest of the country, if there's anything that can be done to build political bridges, it should be done. It should not be seen from a narrow partisan political angle of who gains what, who gets how many ministries, who gets to form the government.